नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, अभी ठंडी का मौसम चालू है और दिसंबर, जैन और फेब में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है और आप सभी लोगों को रूम हीटर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो आज हम ऐसे ही एक रूम हीटर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो काफ़ी सस्ते प्राइस में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, रूम हीटर जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं, 1000 से लेके 2000 रुपए की प्राइस के अंदर आपको मिल जाते हैं विद 2 ईयर्स ऑफ वारंटी। कोई भी चाइनीज कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी के रूम हीटर्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। और गाइस, आज जो हम रूम हीटर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है ऑर्बिट कंपनी का रूम हीटर। और गाइज, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइज, ये जो रूम हीटर है ये है 2000 वॉट्स का रूम हीटर। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो ये है उसका एक्चुअल रिटेल पैकेजिंग। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ऑर्बिट की ब्रांडिंग देखने मिलती है, आगे की तरफ आपको हीटर की एक्चुअल इमेज देखने मिलती है। बॉक्स के साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका मॉडल नंबर और कुछ फीचर्स। बॉक्स के दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशन जिन्हें आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो। बॉक्स के ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसकी MRP और वारंटी इन्फॉर्मेशन। तो डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो ये है वो एक्चुअल हीटर। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने मिलता है फैन, यहाँ पे साइड में आपको देखने मिलते हैं दो नॉब्स। सो यहाँ पे जो पहला नॉब है उसमें आपको तीन मोड्स देखने मिलते हैं। पहला है फैन मोड, दूसरा है पहला हीटिंग मोड जो है 1000 वॉट्स का, और तीसरा है सेकंड हीटिंग मोड जो है 2000 वॉट्स का। और पीछे जो नॉब है उसकी हेल्प से आप फैन का जो भी स्पीड है उसे एडजस्ट कर सकते हो। हीटर के आगे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक कॉइल जो है हीटिंग कॉइल, और ये जो कंप्लीट कॉइल है ये कॉपर की बनी हुई है जिसकी हेल्प से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी हीटिंग मिलेगी। यहाँ पे नीचे की तरफ भी वही सेम फैन है, उसका ग्रिल आपको देखने मिलता है। सो गाइज, अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। तो यहाँ पे जो आप प्लग देख सकते हो ये है हाई एम्पियर प्लग। सो इसके लिए आपको अलग सॉकेट लगेगा प्लग इन करने के लिए। तो मैं अभी प्लग इन करता हूँ इसे वॉशिंग मशीन के सॉकेट में, और अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। सो पावर ऑन करने से पहले यहाँ पे हम टेम्परेचर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेम्परेचर है इसका 25 से लेकर 26 डिग्री के बीच में है, जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर। सो अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इसे फर्स्ट मोड में। सो यहाँ पे जो साउंड आपको सुनाई दे रही है वो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जो कैमरा था उसके कंप्लीट सामने था और जो साउंड है डायरेक्टली माइक्रोफोन को हिट कर रहा था, बट इतनी ज़्यादा साउंड इसमें से नहीं आ रही थी। सो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 से 2 मिनट ही लगते हैं बस हीट कॉइल को हीट होने के लिए, और फिर जो गर्म हवा है कम्प्लीटली आ जाती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है हम इसका मेजर करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी ये 65 डिग्री तक पहुँच गया है, 68, 76, और ये अभी कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 81, 87 तक पहुँच गया है ये, 88, 100 भी इसने क्रॉस कर लिए गए। सो ऐसे ही साइमल्टेनियसली इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाता है, जो कॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। तो अभी हम इसे रखते हैं सेकेंड हीटिंग मोड पर जो है 2000 वॉट्स का हीटिंग मोड, और अभी आप देख सकते हो जो टेम्परेचर है 130 भी क्रॉस हो चुका है। यहाँ पर मैं एक्चुअली कैमरा को साइड में लेके जाता हूँ क्योंकि इसके लेंस पर कम्प्लीटली एयर आ रही है। सो यहाँ पे मैं साइड से इसे रिकॉर्ड करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉइल है इतनी ज़्यादा हीट हो चुकी है, कम्प्लीटली रेड हो चुकी है यहाँ पे। सो इसका जो टेम्परेचर है हम वापस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेम्परेचर इसका है 170, 200 भी क्रॉस हो चुका है, 239। सो ये कॉइल का टेम्परेचर है, बट जो एयर बाहर आती है वो लगभग कुछ 35 से लेकर 40 डिग्री इसकी एयर बाहर आती है, जो काफ़ी इनफ है आपके रूम को हीटअप करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा उस रूम हीटर का अनबॉक्सिंग, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो रूम हीटर, और वो भी इतने कम प्राइस में। मतलब आपको ये 1400 रुपीज़ की प्राइस में मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑर्बिट का ये सेम रूम हीटर आपको अमेजोन पे 1800 रुपए की प्राइस तक अवेलेबल मिल जाएगा। तो उसे मत परचेस करना, इसकी MRP है 1395 रुपीज़, और उसके ऊपर आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। कई सारे लिस्टिंग्स हैं अमेजोन पे, वहाँ पे आप देख सकते हो 1395 या फिर उससे भी कम की जो प्राइस है वही रूम हीटर आप इसका परचेस करें। और गाइस, बात करते हैं इसकी हीटिंग की। तो हीटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, आपने देखा मैंने टेम्परेचर बताया। सो कॉइल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, बट जो रूम का टेम्परेचर है, मतलब अगर आपकी रूम 19 या फिर 20 डिग्रीज पे या फिर उससे भी ज़्यादा कम है, सो ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट में आपका जो रूम है अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 degrees का टेम्परेचर राइज करेगा। और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो रूम के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी रूम ज़्यादा बड़ी होगी तो इसका पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सो वो केस में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा वोल्टेज का रूम हीटर परचेस करें। और गाइज, ये जो रूम हीटर है आपको प्लेस करना है 1 मीटर की दूरी से,
क्योंकि अगर आप एक मीटर की दूरी पे वहाँ पे खड़े रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा हीट आती है, मतलब लिटरली आपकी स्किन जो है शायद बर्न हो सकती है। उसके लिए जो लेंस था उसे मैंने काफ़ी ज़्यादा दूर रखा था क्योंकि इसकी जो हवा है डायरेक्टली कैमरा के लेंस के ऊपर पड़ रही थी। सो गाइज, मैंने इसे परचेस किया अमेजोन से 1395 रुपीज़ की प्राइस में, और अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।